हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप मेरी चैनल एसआई इंटरप्रेस में नया हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरी चैनल एसआई इंटरप्रेस को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए और बाजू वाला बेल आइकन को दबा के रखिए। जब भी मैं कोई अपडेट दूंगा, सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा और आप उस अपडेट को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बाजू वाला बेल आइकन को दबा देते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी जरूर दे दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेटाफोर्स में किस तरीके से आईडी को क्रिएट किया जाता है और उसको किस तरीके से अपडेट किया जाता है, इसका फुल प्रोसेस मैं लाइव में दिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो की लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। तो आइए, सबसे पहले मुझे ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है। ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट नहीं है तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर दो कॉइन को ऐड करेंगे। एक कॉइन है ये वाला पोस्ट डाई पॉलीगॉन स्टेबिलिटी, इस कॉइन को ऐड करना है। दूसरा जो है पॉलीगॉन, ये दो कॉइन आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैलेंस भेज दिया है, तो आप मुझे ये आईडी को एक्टिवेट करना है। आईडी क्रिएट करके, आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बैलेंस होना जरूरी है, पॉलीगॉन में बैलेंस होना जरूरी है क्योंकि चार्जेस लगता है। तो आइए, मैं किस तरीके से आईडी को क्रिएट करके एक्टिवेट करते हैं, मैं उसका प्रोसेस लाइव में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जिस ऑफलाइन के लिंक के माध्यम से मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ, उसका रेफरल लिंक को कॉपी कर लेना है। तो मैं सबसे पहले रेफरल लिंक को कॉपी करूँगा। यह है रेफरल लिंक, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ ब्राउजर में जाना है। यहाँ जाने के बाद इस जगह पे पेस्ट कर देना है जहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ लिंक को पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ सादी जगह पे एक बार टच करना है कीबोर्ड आने के लिए। देखिए आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ डन पे क्लिक करना है। यहाँ डन पे क्लिक करने के बाद ठीक इस तरीके की एक पेज आएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक पेज निकल गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस जगह पे फॉलो करना है। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क है, यहाँ पे एथेरियम है, इस जगह पे टच करना है। तो यहाँ पे टच करने के बाद मुझे नेटवर्क को चेंज करना है, पॉलीगॉन करना है। तो मैं यहाँ पॉलीगॉन के ऊपर टच कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ साइन अप नाउ यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे टच करने के बाद मुझे वॉलेट सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं ट्रस्ट वॉलेट में ये अकाउंट को क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ट्रस्ट वॉलेट ही सिलेक्ट करना है। तो ट्रस्ट वॉलेट को मैंने टच कर दिया है। उसके बाद ऐसा एक पेज आएगा, तो उस टाइम मुझे क्या करना है, यहाँ साइन अप नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से ट्रस्ट वॉलेट को टच करना है। उसके बाद मुझे यहाँ कनेक्ट करना है। उसके बाद मुझे यहाँ अप्रूव के ऊपर टच करना है। उसके बाद मेरा ये ट्रस्ट वॉलेट का जो पिन है उसको डालना है, मोबाइल का जो कोड है वो डालना है। देखिए सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, सक्सेसफुल आईडी क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, ये है आईडी, ये है आईडी नंबर, जो न्यू आईडी मैं अभी बनाया है वो आईडी नंबर ए है, और जिसका रेफर से मैं ज्वाइनिंग किया है उसका रेफर आईडी भी यहाँ पे शो होगा नीचे। और ये मेरा आईडी है, जो अकाउंट मैं अभी बनाया है उसका आईडी नंबर ए है, और इसका ज्वाइनिंग का जो रेफर लिंक है वो है ए माई लिंक। तो इस जगह पे टच करना है, यहाँ पे टच करने से ये कॉपी हो जाएगा। देखिए कॉपी हो गया लिंक। तो इस तरीके से इस लिंक के माध्यम से फिर दूसरे किसी को रेफर कर सकते हैं। तो अब इसको एक्टिवेट करना है, आईडी तो क्रिएट हो चुका है, अब इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए मुझे डाई होना है 5। ये देखिए मेरा यहाँ पे 5 डाई पड़ा हुआ है, पॉलीगॉन मैट्रिक में कुछ बैलेंस भी पड़ा हुआ है क्योंकि चार्जेस के लिए चाहिए। तो अभी मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है। ये देखिए यहाँ पे क्लासेस पैकेजेस है, यहाँ ये फ्लोर को बुक करना है। यहाँ पे 12 फ्लोर है, तो यहाँ से मुझे अभी एक फ्लोर को बाई करना है। प्रीव्यू में मुझे टच करना है, इस जगह पे टच करना है।
अभी फ्री लॉन्चिंग चल रहा है, इसलिए $5 से एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ दिन के बाद ये $5 वाला जो पैकेज है ये $10 हो जाएगा। अभी फ्री लॉन्चिंग चल रहा है ना, इसलिए ये $5 है, ये $5 से एक्टिवेट होगा। मेरा वहाँ पे $5 पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना है इसको एक्टिवेट करने के लिए, इस एक्टिवेट के ऊपर टच करना है। यहाँ पे टच करने के बाद इस जगह पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद मुझे यहाँ प्रोसेस करना है, उसके बाद मुझे कन्फर्म करना है यहाँ नीचे, उसके बाद मेरा पिन डालना है, उसके बाद मुझे यहाँ अप्रूव के ऊपर टच करना है। यहाँ पे टच करने के बाद दोबारा फिर से एक बार पिन डालना है। देखिए आईडी एक्टिवेट हो चुका है, एक फ्लॉप बाई हो चुका है। अब इसके अंदर वर्किंग हमारे को कैसे आएगा, हम वर्किंग करने से भी यहाँ पे आएगा, हमारा अपलाइन का भी यहाँ पे आएगा, डाउनलाइन का भी आएगा। ये जो साइकिल है, दोनों साइकिल, ये दो साइकिल 6 आदमी आने से कंप्लीट होता है। उसके बाद नीचे 3 नंबर वाला जो साइकिल है ये 3 आदमी आने से कंप्लीट होता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है 3 नंबर वाला, ये फ्लोर है, ये आपका वर्किंग से ये कंप्लीट होता है। बाकी ये 6 वाला जो है जितना भी है ये नॉन वर्किंग वाला है, नॉन वर्किंग से कंप्लीट होता है। ये जो भी है ये दो, पहले 2 6 वाला है, 6 वाला साइकिल से ये नॉन वर्किंग से कंप्लीट होता है। ये इसमें आपका सीनियर का भी आएगा, डाउनलाइन का भी आएगा और क्रॉस लाइन का भी आएगा। किधर से भी आके ये 6 घर कंप्लीट हो जाएगा। ये नॉन वर्किंग इनकम आप ये 2 घर से ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है ये साइकिल जो है ये आपका वर्किंग से ही कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट होने के बाद बाकी फिर से 2 आपका नॉन वर्किंग वाला आएगा, उसके बाद जो है ये भी वर्किंग से कंप्लीट होता है। उसके बाद सेम प्रोसेस में फिर 2 नॉन वर्किंग से होता है, सेम प्रोसेस में ऐसा पहले 2 उसके बाद 1 ऐसा है। तो ऐसे 12 पैकेजेस है, तो इस तरीके से ही अपडेट होता है और इनकम आता है। तो इसमें पहले राइट में और लेफ्ट में जो 2 बंदा आएगा, ये बंदे का इनकम ऑफलाइन को चला जाएगा, किसी भी ऑफलाइन को चला जाएगा। और उसके बाद नीचे 3 आदमी का जो इनकम है ये इस आईडी में मिलेगा, 15 ढाई इसमें आएगा। तो और बाकी का जो 1 है ये ऑटो अपडेट होके ये साइकिल चेंज होके दूसरा साइकिल में चला जाएगा, फिर उसमें आपको इनकम आएगा। इसका इनकम बंद नहीं होगा, जो 6 आदमी आ गया तो इनकम बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये जब भी 6 कंप्लीट हो जाएगा रिसाइकिल होके ये दोबारा दूसरा पेज खुल जाएगा, उसमें आपके कंटिन्यू इनकम आता रहेगा। तो इस प्रोसेस में ये काम करता है। थैंक यू।